दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड। दोस्तों आज का ये वीडियो उन सभी बिगनर्स के लिए है जिन्होंने हाल फिलहाल में एंजल वन में अपना डीमैट अकाउंट ओपन किया है। ये वीडियो काफी खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एंजल वन एप्लीकेशन के द्वारा पहली बार शेयर कैसे खरीदा और बेचा जाता है। अगर आप भी बिगनर हैं और आप नहीं जानते हैं कि एंजल वन एप्लीकेशन के द्वारा पहली बार स्टॉक को बाय और सेल कैसे किया जाता है तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताने वाला हूँ। एंजल वन एप्लीकेशन के द्वारा स्टॉक बाय और सेल कैसे किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एंजल वन एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, इसमें पिन डालकर अकाउंट में लॉगिन करेंगे। अकाउंट में लॉगिन करने पर आपको कुछ इस तरह का यूजर इंटरफेस दिखाई देगा। स्टॉक बाय करने से पहले आपको इसमें फंड ऐड करना होगा, तो इसके लिए अकाउंट वाले ऑप्शन में चले जाना है। इसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर ट्रेडिंग बैलेंस शो होता है जो कि अभी जीरो है। यहाँ पर आपको ऐड फंड्स का ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आप इसमें जितने भी रुपए ऐड करना चाहते हैं इसमें उतने रुपए डाल देंगे या आप यहां से अमाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहां पर जो बैंक अकाउंट शो हो रहा है आपको इसी बैंक अकाउंट से फंड ऐड करना होगा। अगर आप किसी दूसरे बैंक अकाउंट से फंड ऐड करना चाहोगे तो ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगी। अगर आप व्यू ऑल पेमेंट मेथड्स इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने पेमेंट करने के सभी ऑप्शन शो हो जाएंगे। आप फोन पे या गूगल पे या यूपीआई या फिर नेट बैंकिंग से फंड ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको गूगल पे के द्वारा फंड ऐड करके दिखा रहा हूँ। यहाँ से गूगल पे को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपके सामने यूपीआई गाइडलाइंस का ये मैसेज शो हो जाएगा। इसमें बताया गया है कि पेमेंट प्रोसेस के लिए आपको एंजल वन के साथ रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट का यूज करना होगा। गाइडलाइंस को रीड करने के बाद प्रोसीड टू ऐड फंड्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यूपीआई ऐप में रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहां से उसी बैंक अकाउंट को चूज करेंगे आपने जो बैंक अकाउंट एंजल वन में चूज किया है। इसके बाद पे बटन पर क्लिक करेंगे, इसमें यूपीआई पिन डालकर ओके कर देना है। ओके करते ही पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा और आप फिर से एंजल वन ऐप में रीडायरेक्ट हो जाएंगे और आपने जो फंड ऐड किया है वो यहाँ ट्रेडिंग बैलेंस में शो होने लग जाएगा। इसके बाद आपको वापस होम पेज पर आ जाना है। अब सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा आप किस स्टॉक को बाय या सेल करना चाहते हैं। या तो आप यहाँ से स्टॉक को सर्च कर सकते हो या फिर आपने वॉच लिस्ट बना रखी है और उसमें स्टॉक ऐड कर रखा है तो आपको वॉच लिस्ट में आ जाना है। इसमें आपको माई वॉच लिस्ट पहले से बनी मिलती है। इसमें काफी सारे स्टॉक ऐड हैं। आप इसमें से किसी स्टॉक को बाय करना चाहते हो तो कर सकते हो। बस आपको उस स्टॉक के ऊपर क्लिक करना है जिसे आप बाय करना चाहते हो और इसमें आप अपनी मर्जी का स्टॉक भी ऐड कर सकते हो। आप इसमें अपनी खुद की वॉच लिस्ट भी बना सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर खुद की 3 वॉच लिस्ट बना रखी हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, लार्ज कैप और बैंक सेक्टर। वॉच लिस्ट कैसे बनाते हैं इसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना रखी है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो का लिंक चेक कर सकते हो। यहाँ मैंने बैंक सेक्टर वॉच लिस्ट को ओपन कर रखा है। मैं आपको बैंक सेक्टर का स्टॉक बाय और सेल करके दिखाने वाला हूँ। मैं केवल सिखाने के पर्पज से ये स्टॉक ले रहा हूँ, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप कोई भी स्टॉक बाय करने से पहले उसका एनालिसिस जरूर करें। ऊपर सर्च आइकन पर क्लिक करेंगे, इसमें स्टॉक का नाम डालकर सर्च करेंगे। जैसे कि मैंने इसमें IDFC फर्स्ट बैंक टाइप किया है, इसके नीचे स्टॉक सर्च होकर आ गया है। इसके सामने एक स्टार बना हुआ है। जैसे ही आप स्टार को सेलेक्ट करोगे तो ये स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। आप चाहें तो यहीं से स्टॉक के ऊपर क्लिक कर सकते हो या वॉच लिस्ट में जाकर स्टॉक के ऊपर क्लिक करेंगे। ये देखिए IDFC फर्स्ट बैंक का ये स्टॉक यहाँ पर ऐड हो गया है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने स्टॉक इस तरह से ओपन होकर आ जाएगा। ऊपर यहाँ स्टॉक और कंपनी का नाम दिया होता है। इसके सामने स्टॉक का करंट प्राइस दिया होता है, यानी कि स्टॉक का अभी जो भाव चल रहा है वो प्राइस दिया होता है। जैसे कि अभी यह 80.60 रुपए के आसपास चल रहा है और इसके नीचे आप देख सकते हैं आज के दिन ये कितना प्लस गया या कितना माइनस में गया। अभी के समय ये 28 पैसे के आसपास माइनस में चल रहा है, यानी कि -0.35% डाउन चल रहा है। इसके नीचे दिया है आज ये कितने प्राइस पर ओपन हुआ, कितना हाई गया, कितना लो गया और पिछले दिन कितने प्राइस पर क्लोज हुआ था। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने लोग किस प्राइस पर इसे खरीद रहे हैं और कितने लोग इसे सेल कर रहे हैं।
ग्रीन कलर में खरीदने वाले लोग हैं और रेड कलर में बेचने वाले लोग हैं। यहाँ पर खरीदने वाले लोगों की और यहाँ पर बेचने वाले लोगों की टोटल क्वांटिटी दिखाई गई है। इसके नीचे यहाँ ऑप्शन चेन, चार्ट्स और स्टॉक डिटेल्स, ये सभी ऑप्शन दिए हैं। अभी हम ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम ऑप्शन चेन के बारे में बात नहीं करेंगे। आप यहां क्लिक करके स्टॉक का चार्ट देख सकते हैं, चार्ट किस तरह से बन रहा है। यहां से आप चार्ट को अपने अनुसार सेट कर सकते हैं। चलिए यहां से बैक चलते हैं। इसके बाद यहां से आप स्टॉक की डिटेल्स चेक कर सकते हैं। यहां पर इसका एवरेज ट्रेड प्राइस दिया है 80 रुपए 72 पैसे और यहां इसका वॉल्यूम दिया है जो कि है 1.11 करोड़। इसके नीचे पिछले 52 हफ्तों का लो और हाई दिखाया गया है। 70 रुपए 80 पैसे इसका लो प्राइस रहा है और 100 रुपए 70 पैसे इसका हाई प्राइस रहा है। आप पेज को स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पर पिछले एक साल के एनालिस्ट के आधार पर दिखाया गया है 66% लोगों ने इसे बाय किया है, 33% लोगों ने इसे होल्ड करके रखा है और सेल जो कि 0% रहा है। ये जो स्टॉक है मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है और ये एक प्राइवेट बैंक है। इसका शॉर्ट टर्म में निगेटिव और लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव रिजल्ट हो सकता है। इसका जो मार्केट कैप है वो 56,844 करोड़ रुपए का है। इसके नीचे कुछ वीडियोस दिए हैं कैसे और क्यों इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, आप इन वीडियोस को देख सकते हो। इसके बाद आप यहां क्लिक करके इसका टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो, यहां क्लिक करके इसका डेरिवेटिव्स ओवरव्यू देख सकते हो और यहां क्लिक करके इसका फंडामेंटल्स देख सकते हो। बाय और सेल ऑप्शन आपको यहां पर भी मिल जाएंगे या फिर यहां से बैक हो जाएंगे। यहां बाय और सेल के ऑप्शन दिए हैं। स्टॉक खरीदने के लिए आपको बाय ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहां सबसे ऊपर आपको स्टॉक का नाम दिखाई देगा, इसके सामने स्टॉक का करंट प्राइस दिया है, आज के दिन ये कितना प्लस में है या कितना माइनस में है वो आपको यहां पर दिखाई देगा। यहां से आप स्टॉक एक्सचेंज चूज कर सकते हो, NSE या BSE, आप दोनों में से कोई भी स्टॉक एक्सचेंज चूज कर सकते हो। इसके बाद यहां तीन ऑप्शन दिए हैं, डिलीवरी, इंट्राडे और पे लेटर। अगर आप डिलीवरी ऑप्शन को चूज करके स्टॉक बाय करते हो तो उसे आप लंबे समय के लिए होल्ड करके रख सकते हो या फिर आप चाहें तो सेम डे भी सेल कर सकते हो। और अगर आप इंट्राडे चूज करके स्टॉक बाय करते हो तो आपको उसी दिन मार्केट क्लोज होने से पहले स्टॉक को सेल करना होगा, आपको मार्केट क्लोज होने तक का वेट नहीं करना चाहिए। अगर आप इंट्राडे चूज करके स्टॉक बाय करते हो तो आपको 3:15 से पहले पहले स्टॉक को सेल करना होगा। अगर आप सेल नहीं करोगे तो आपके स्टॉक ब्रोकर की तरफ से स्टॉक ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा, इसके लिए आपसे कुछ पेनल्टी भी ली जा सकती है। अगर आप इंट्राडे में स्टॉक बाय करते हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपको 3:15 से पहले स्टॉक को सेल करना होगा। इसके बाद यहाँ तीसरा ऑप्शन है पे लेटर, इसमें आपको MTF की फैसिलिटी मिल जाती है, कम फंड होने पर भी आप ज्यादा स्टॉक बाय कर सकते हो। इसमें आपको ब्रोकर की तरफ से मार्जिन मिल जाता है जिसे आप बाद में पे कर सकते हो। ये स्टॉक की कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करेगा आपको उस स्टॉक पर कितने रुपए तक का मार्जिन मिल सकता है, क्योंकि मार्जिन को अलग अलग स्टॉक कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड किया गया है। यानी कि आप जो स्टॉक बाय कर रहे हो वो स्मॉल कैप या मिड कैप या फिर लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। जैसे कि ये स्टॉक मिड कैप कैटेगरी के अंदर आता है, अगर हम इसे पे लेटर में बाय करते हैं तो यहाँ हमें 4x तक का मार्जिन मिल जाएगा, वहीं इंट्राडे में बाय करने पर 5x तक का मार्जिन मिलेगा। जैसे कि मैं डिलीवरी चूज करता हूँ, मेरे पास 1,000 रुपए का मार्जिन अवेलेबल है। मैं डिलीवरी में अधिकतम 12 क्वांटिटी ही बाय कर सकता हूँ, जिसके लिए 967 रुपए 80 पैसे चाहिए होंगे। और अगर मैं इंट्राडे चूज करता हूँ तो मुझे 5x तक का मार्जिन मिलेगा, यानी कि अब मैं 61 क्वांटिटी बाय कर सकता हूँ। मेरे पास अवेलेबल मार्जिन अभी भी उतना ही है 1,000 रुपए, लेकिन मैं यहाँ 61 क्वांटिटी बाय कर सकता हूँ। और अगर मैं पे लेटर चूज करता हूँ तो इसमें मुझे 4x तक का मार्जिन मिलेगा, यानी कि अब मैं 55 क्वांटिटी बाय कर सकता हूँ। बैलेंस अभी भी मेरे पास 1,000 रुपए है। मैं आपको यहाँ डिलीवरी में स्टॉक बाय सेल करके दिखा रहा हूँ। मैंने डिलीवरी ऑप्शन को चूज कर लिया है। इसके बाद इसमें शेयर्स की क्वांटिटी डालेंगे, आप कितनी क्वांटिटी बाय करना चाहते हैं। मैंने 12 क्वांटिटी डाल दी हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, लिमिट और मार्केट। जैसे कि अगर आपको लगता है कि स्टॉक का प्राइस 80 रुपए तक नीचे जा सकता है तो आप लिमिट ऑप्शन को चूज करके इसमें 80 रुपए डालकर बाय ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। जब स्टॉक का प्राइस 80 रुपए के प्राइस को हिट करेगा तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर स्टॉक का प्राइस 80 रुपए तक नीचे नहीं आया तो मार्केट क्लोज होने के बाद आपका ऑर्डर ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा और आपका बैलेंस वापस से फंड बैलेंस में शो होने लग जाएगा। आप लिमिट ऑर्डर को एडिट या कैंसिल भी कर सकते हैं।
और अगर आप मार्केट प्राइस पर ही स्टॉक को बाय करना चाहते हैं, जैसे कि अभी ये 80 रुपए 50 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है, आप इसी प्राइस पर इसे बाय करना चाहते हैं, तो यहाँ से मार्केट ऑप्शन को चूज करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। मैं मार्केट प्राइस पर ही इसे बाय करना चाहता हूँ, मैंने मार्केट चूज कर लिया है। यहाँ पर रिक्वायर्ड मार्जिन दिखाता है और आप यहाँ क्लिक करके चार्जेस देख सकते हो, आपसे कौन कौन से चार्जेस लिए जा रहे हैं। एंजल वन आपसे कोई ब्रोकरेज नहीं लेता है, यहाँ आपसे एक्सटर्नल चार्जेस लिए जा रहे हैं 18 पैसे। इसमें एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज और स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस शामिल हैं और 98 पैसे का टैक्सेस लिया जा रहा है, जिसमें सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स और GST शामिल है। तो इस तरह से टोटल 1 रुपए 15 पैसे का चार्ज लिया जा रहा है। चलिए यहाँ से बैक चलते हैं। यहाँ पर अवेलेबल कैश बैलेंस शो होता है, इसके बाद आपको प्लेस बाय ऑर्डर के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद ऑर्डर को कंफर्म करेंगे, कंफर्म करते ही आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। इसके बाद आप ऑर्डर्स में जाकर चेक करोगे तो ये पोजीशन के अंदर शो होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है, हमने स्टॉक की 12 क्वांटिटी बाय की है जो कि 80 रुपए 52 पैसे के प्राइस पर बाय हुई है। यहीं पर आप प्रॉफिट एंड लॉस भी चेक कर सकते हो, और अगर आपने लिमिट प्राइस सेट करके ऑर्डर लगाया होता तो ये ऑर्डर्स में पेंडिंग ऑर्डर्स के अंदर शो होता, और जो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है वो एग्जीक्यूटेड ऑर्डर में शो होने लगता है। इसके बाद आप पोर्टफोलियो में जाकर भी स्टॉक चेक कर सकते हो, आप जितने भी स्टॉक बाय करते हो वो सभी स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में दिखाई देने लगते हैं। जैसे कि मैंने IDFC बैंक का ये स्टॉक अभी अभी बाय किया है और मैंने पहले से भी कुछ स्टॉक बाय करके रखे हुए हैं। चलिए अब स्टॉक को सेल करना सीख लेते हैं। आपने जिस स्टॉक को बाय किया है उसके ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे कि मैंने IDFC फर्स्ट बैंक के ऊपर क्लिक किया है। यहाँ पर आपको सेल का ऑप्शन नजर आएगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, या आप पोजीशन में जाकर भी स्टॉक को सेल कर सकते हो। यहाँ पर मुझे कुछ लॉस हो सकता है क्योंकि ये वीडियो मैं सिखाने के पर्पज से बना रहा हूँ। मैंने स्टॉक को अभी बाय किया है और अभी इसे तुरंत सेल कर रहा हूँ, इसलिए मुझे लॉस हो सकता है। आपको ऑर्डर के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको एग्जिट का ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसमें स्टॉक की क्वांटिटी डालेंगे, आप कितनी क्वांटिटी सेल करना चाहते हो। आप कम क्वांटिटी भी सेल कर सकते हो या पूरी की पूरी क्वांटिटी सेल कर सकते हो। मेरे पास इसकी 12 क्वांटिटी हैं, मैं सभी क्वांटिटी सेल कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर लिमिट और मार्केट ऑप्शन दे रखे हैं। अगर आपको लगता है कि स्टॉक का प्राइस ऊपर जा सकता है तो आप लिमिट ऑप्शन को चूज करके इसमें अपना लिमिट प्राइस डालकर सेल ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। जब स्टॉक का प्राइस आपके लिमिट प्राइस को हिट करेगा तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर लिमिट प्राइस को हिट नहीं किया तो मार्केट क्लोज होने के बाद ऑर्डर ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। और अगर आप इसे मार्केट प्राइस पर ही सेल करना चाहते हैं तो यहाँ से मार्केट चूज करेंगे, आप यहां क्लिक करके चार्जेस देख सकते हैं, स्टॉक सेल करने पर आपसे क्या चार्जेस लिए जा रहे हैं। इसके बाद एग्जिट के ऊपर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। आप ऑर्डर्स में पोजीशन के अंदर जाकर देखोगे तो यहां पर आपके ऑर्डर की पोजीशन शो हो जाएगी। हमने ये स्टॉक 80 रुपए 52 पैसे में बाय किया था, जिसे हमने 80 रुपए 47 पैसे में सेल किया है, मुझे इसमें 60 पैसे का लॉस हुआ है। अगर आप स्टॉक को सेम डे सेल नहीं करते हो, यानी कि होल्ड कर लेते हो, तो इसके बाद आप जब भी स्टॉक को सेल करोगे तो आपको TPIN के द्वारा ऑर्डर को वेरीफाई करना होगा, इसके बाद ही आप स्टॉक को सेल कर पाओगे। इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप एंजल वन में शेयर्स को बाय और सेल कर सकते हो। लास्ट में मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि इसमें मेरी कोई भी पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। इस वीडियो में मैंने आपको किसी भी तरह के म्यूचुअल फंड या स्टॉक को बाय करने या सेल करने की सलाह नहीं दी है, मैंने केवल उदाहरण के तौर पर आपको समझाया है। अगर आपको शेयर मार्केट में किसी भी तरह का प्रॉफिट या लॉस होता है, इसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।